इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में आने वाली एक खूबसूरत जगह है मेघालय, जिसका मतलब होता है बादलों का घर। और इन बादलों के घर में ही एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। यह है वर्ल्ड्स बेटेस्ट प्लेस मौसिनराम। दिस इज मौसिनराम, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, एंड इट्स लोकेटेड राइट हियर इन इंडियाज ईस्ट खासी हिल्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय। इस जगह ने इंडिया के नाम इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं जो शायद आपको पता भी नहीं होंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहां एक साल में ऑलमोस्ट 11,872 mm बारिश होती है, यानी 37 फीट से भी ज्यादा बारिश हर साल। और 2022 में मौसिनराम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां की एक दिन की बारिश दिल्ली के पूरे साल भर की बारिश के बराबर है। ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। कई लोगों को शायद इस जगह के बारे में पता भी नहीं होगा, यहां पर टूरिस्ट भी ज्यादा घूमने नहीं जाते। 4600 फीट की हाइट पर बसे इस गांव में ज्यादातर लोग खासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो हम बारिश में एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर यही बारिश 20 दिन एक महीने तक लगातार हो और घर से भी ना निकल पाए तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा सच में होता है, महीनों लंबी चलने वाली बारिश में यहाँ काम तो नहीं रोक सकते। इसीलिए यहाँ के लोगों ने इनोवेशन की बैम्बू अम्ब्रेला की, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। इसे हाथ से पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती और इसे कनूप कहा जाता है। यह पहनकर यहाँ के लोग आराम से अपना काम करते रहते हैं। आपने ये तो देख लिया कि यहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है, लेकिन अब ये जानेंगे कि यहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती क्यों है। मॉनसून सीजन में जब बंगाल की खाड़ी से मॉनसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, तो ये नम हवाएं सबसे पहले इन खासी हिल्स से टकराती हैं, और ज्यादातर हवाएं इन हिल्स को क्रॉस नहीं कर पाती और यहीं पर वर्षा करा देती हैं। यही कारण है कि यहाँ साल भर में होने वाली बारिश का 70% मात्र मॉनसून में ही बारिश हो जाती है। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, तो आपको यहाँ पर काफी खूबसूरत चर्चेस देखने को मिल जाएंगे। मौसिनराम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। घने बादलों को यहाँ करीब से देखा और महसूस किया जा सकता है। यहाँ वाटरफॉल के नज़ारों को देखने का भी अपना मजा है। वर्षा के दौरान पहाड़ों से पानी गिरते देखना काफी खूबसूरत लगता है। इस गांव में आपको ऑलमोस्ट सभी घर पक्के देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कच्चे घर इतनी ज्यादा बारिश में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लोग किसी भी प्रकार की खेती कर पाने में असंभव है, क्योंकि यहाँ कुछ भी बोना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर मोस्टली लोग अपनी नौकरी करते हैं या फिर अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं। यहाँ पर बारिश के आगे छतरियां और रेनकोट भी फीके पड़ जाते हैं। यहाँ पर स्कूल के बच्चों को दो तरह की छुट्टियां दी जाती हैं, एक ज्यादा बारिश आने पर रास्ता बंद होने के कारण, और एक कई दिनों बाद जब मौसम खुला रहता है ताकि बच्चे बाहर निकलकर खेलकूद और मौज मस्ती कर सकें। इतनी समस्याओं के बाद भी बरसात में मौसिनराम और चेरापूंजी की प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक होता है। कैंपिंग और ट्रैकिंग का शौक रखने वाले लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी यहाँ जाना पसंद करोगे, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें।